खिलाड़ी। जी, सबसे पहले तो कल तक जो चीजें देखी थी उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई इशू। क्लियर है, चलें गुड। आज के दिन वी विल मूव टू आवर चैप्टर, आई बिलीव चैप्टर टू, और जो हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और हम डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड की डिस्कशन स्टार्ट। डिमांड क्या होती है? अक्सर बेहतर हम बात करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट डिमांड की है, उनकी उन्होंने डिमांड की है। डिमांड क्या होती है आपके दिमाग के मुताबिक? जी निशा, हम बात करें चैप्टर टू की। आज से हमने चैप्टर टू की बातें शुरू कर दी, चैप्टर फोर की बातें आप हमने कंप्लीट कर दी थी। डिमांड क्या होती है? अलीशा, बीगा हो गया, हमदान, नुमान, निमरा, व्हाट इज डिमांड? नीड्स ऑफ कंज्यूमर कह रहे हैं जी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक कह रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जी, इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी ना किसी एजेंट ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे हम यहाँ पे, किसी ना किसी एजेंट ऑफ इकोनॉमी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर को अभी डिस्कशंस कर रहे हैं और कंज्यूमर की मामला को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पता है कि जी के डिमांड की अगर बात है तो कोई कंज्यूमर के हवाले से कोई बात होगी, ऐसे ही एजेंट ऑफ इकोनॉमी का तो आप कंसर्न क्लियर है कि उसके बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं कि साहब कोई कंज्यूमर है जो कि इकोनॉमी के अंदर मौजूद है और वो कंज्यूमर ख्वाहिश करता है, डिमांड करता है, वो कंज्यूमर चाहता है कि वो कोई प्रोडक्ट परचेज करें, कोई प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट कंज्यूम करें। वो जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करने की ख्वाहिश करनी है उसको हम डिमांड कहते हैं। एक चीज, विल टू परचेज, कंज्यूमर ने अपनी विल टू परचेज, विल टू कंज्यूम, उसने कहा कि मुझे कंज्यूम करना है, आई वॉन्ट टू कंज्यूम दिस, उसकी विल टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार अच्छा आज नाश्ते में मैं अच्छा सा कोई ऑमलेट खाता हूं, तो ये मेरी विल टू कंज्यूम। मैंने कहा कि अच्छा, मैं विल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऑमलेट खाऊं, लेकिन क्या इससे इकोनॉमिक डिमांड जनरेट होती है कि नहीं होती है? ये क्वेश्चन है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जहां एक महल खरीदूं, सऊदिया में जो महल मौजूद है वो किंग सलमान का जो महल है मैं उसको परचेज करूं, मेरी ख्वाहिश है, या किसी भी कोई शख्स है जो उसकी ख्वाहिश है कि मैं कोई मर्सिडीज खरीदूं, मैं जो मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं ये मैं खरीद लूं। तो ख्वाहिश तो बहुत सी होगी, आपकी ख्वाहिश तो बहुत सी होगी, विल आपकी होगी, आप कहेंगे हाँ जी मैं अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद लूं, अच्छे से अच्छा अपार्टमेंट खरीद लूं, मैं जहाज खरीद लेता हूं। लेकिन जो फौजिया बिल्कुल सही बात कर रही है, विल टू कंज्यूम तो है, क्या पावर टू परचेज भी है? परचेजिंग पावर, पावर भी है,
जब ये दोनों चीजें कंबाइंड होंगी, ये दो चीजें जब कंबाइन होगी मिलेगी तो फिर इकोनॉमिक डिमांड जनरेट होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर हो, विल टू परचेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अमीर आदमी है, उसके पास हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस मौजूद है, तो उसकी उसके पास पहले से घर भी मौजूद है, तो नए घर की शायद उसकी विल नहीं होगी। वो यार अच्छा मेरे पास पहले से घर मौजूद है तो मैं नया घर क्यों परचेज करूं, तो विल टू परचेज नहीं है। उसकी परचेजिंग पावर मौजूद है लेकिन वो नए घर के लिए डिमांड नहीं कर रहा। इसी तरह से किसी के पास विल मौजूद है, परचेजिंग पावर नहीं है। एक गरीब आदमी जो साइकिल पे जा रहा है, वो कह रही कि यार मेरा दिल चाहता है कि मेरा बंगला हो बहुत बड़ा सा, तो यार ख्वाहिश तो है, दिल तो उसका चाहता है, बट वो इकोनॉमिक डिमांड जनरेट नहीं कर रहा। मार्केट के अंदर उस डिमांड का कोई असर नहीं है, उसकी दिल की ख्वाहिश है जो दिल में ही रह जाएगी। जी, तो परचेजिंग पावर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये दो चीजें कंबाइन होती हैं, तो फिर हमारी इकोनॉमिक डिमांड जनरेट होती है। फिर हम कहते हैं कि अब जब एक शख्स है जो कि बंगला खरीदना चाहता है, उसके पास बंगला खरीदने के पैसे भी मौजूद है। कोई शख्स है जो कि आमलेट खरीदना चाहता है, उसके पास आमलेट खरीदने के पैसे भी मौजूद है। कोई शख्स है जो कि कार खरीदना चाहता है, उसके पास कार खरीदने के पैसे भी मौजूद है, परचेजिंग पावर भी मौजूद है। कोई शख्स है जो कि शुगर खरीदना चाहता है, उसके पास शुगर खरीदने के पैसे भी मौजूद है। इसी तरह के एयर कंडीशनर्स, चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, हर एक चीज को कोई ना कोई कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेगा, लेकिन इकोनॉमिक डिमांड उसकी होगी जिसके पास ख्वाहिश भी हो और पावर टू कंज्यूम भी हो, वो उसको कंज्यूम करने की परचेजिंग पावर भी रखता हो, उसको हम इकोनॉमिक डिमांड कहते हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, डिमांड की हमें समझ आ गई कि जनाब वो डिमांड क्या होती है, और फिर उसी तरीके के साथ डिमांड में हमारे पास एलिमेंट्स जो हमने पहले पढ़े थे कि आपका प्राइस इफेक्ट, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आपका इनकम इफेक्ट, वो सारे चीजें तीनों चीजें इसमें कंबाइन होती है। अभी जब जाना हम लाभ डिमांड की डिस्कशन कर लेते हैं। लाभ डिमांड, फिर इकोनॉमिस्ट ने भाई जो थे उन्होंने कहा था ये चीज तो अब आपको समझ आ गई कि हम डिमांड की क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिमांड की क्या बातें कर रहे हैं। जब भी किसी मार्केट के अंदर इकोनॉमिक्स में हम डिमांड कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो अशखास जिनके पास ख्वाहिश भी मौजूद है और पावर भी मौजूद है, परचेजिंग पावर भी है और वो खरीदने की सकत भी रखते हैं और खरीदने की ख्वाहिश भी रखते हैं, दोनों चीजें जहां पे कंबाइन हुई है, हम उसकी डिस्कशन को हम डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट कहेंगे। एयर कंडीशनर खरीदने की ख्वाहिश भी है और खरीदने की सकत भी है, दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो वो एयर कंडीशनर की डिमांड कहलाएगी। बहुत सारे लोग 10 लाख लोग हैं एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस 10 लाख में से कितने एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे शायद 80 लाख, 1 लाख। तो हम जब इकोनॉमिक डिमांड की बात करें तो हम वो जो 80 हजार या 1 लाख जो जिनके पास ख्वाहिश भी है एयर कंडीशनर खरीदने की और सकत भी है, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर आगे भी हमारे इकोनॉमिस्ट भाई ने कहा कि इसके अंदर फिर साथ साथ ये भी देखें कि एक लॉ ऑफ डिमांड भी होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डिमांड ये है कि जब कभी भी आप रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहेंगे तो एक तरह का रिलेशनशिप आपको नजर आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड।
मोनोटोनी के एक तरह का आपको रिलेशनशिप नजर आएगा. हम उसको ऑब्जर्व किया इकोनॉमी के अंदर, तो हमें रिलेशनशिप नजर आया. और वो किस तरह का रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप क्या है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. और अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी. जिसको हमने क्या कहा, बाय डिक्रीजिंग प्राइस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सटेंड्स. Demand of the product contracts. Extends and contracts. जी, लॉ डिमांड में हम सारी गुड्स को ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो नॉर्मल हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट हैं, चाहे इंफीरियर हैं, चाहे वो आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. गिफन फिर हम आगे देखेंगे, हम यहाँ पे जब आगे चलेंगे तो फिर पता चलेगा कि कुछ गिफन प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने पहले भी एक डिस्कशन की थी कि उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके के साथ असरअंदाज नहीं हो रहा होता. कुछ भी हम यहाँ पे अजम्पशंस भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, तो उसमें भी आपकी चीजें क्लियर होंगी. लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. सिर्फ हम नॉर्मल प्रोडक्ट या इंफीरियर या सुपीरियर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे. मीट के लिए भी यही बात होगी, ये बीफ के लिए भी यही बात होगी, मटन के लिए भी यही बात होगी, आपके जो टी है उसके लिए भी यही बात है, कॉफी के लिए भी यही बात है, आपके एयर कंडीशनर की यही बात है, फैंस की भी यही बात है, कंप्यूटर की भी यही बात है, कार की भी यही बात है, आपके एयर ट्रेवल के लिए जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके सारी प्रोडक्ट्स के अंदर ये एक हम जनरल लॉ ऑफ डिमांड पढ़े फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. हर प्रोडक्ट के हवाले से जब भी उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया जाएगा उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, और जब भी उस प्रोडक्ट की प्राइस को घटाया जाएगा उस प्रोडक्ट की डिमांड एक्सटेंड कर देगी. क्लियर है? आधा तो मुश्किल देवरा फाइनल. अच्छा, तो हमें ये चीज समझ आई कि ना प्राइस के साथ एक रिलेशनशिप है, लेकिन क्या डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से ही कम ज्यादा होती है? क्या किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या आया सिर्फ प्राइस की वजह से के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है? क्या ख्याल है? अगर आपको गर्मियों में कहा जाए कि आप ना ऊनी कपड़े, ये स्वेटर है ये आप खरीद लें हमसे, हम आपको प्राइस जो है ना वो वैसे इसका 1000 रुपए का है, हम आपको 800 रुपए में प्राइस में दे देते हैं, और गर्मियों में आपसे कहा जाए तो एसी विंटर में नहीं चाहिए होंगे, वार्म क्लोथ समर्स में नहीं चाहिए होते. इसी तरीके के साथ यहां पे हमें नजर आ रहा है कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट ओनली द फंक्शन, डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ किन किन चीजों का फंक्शन है. एक चीज तो हमने पढ़ी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस,
हमने प्राइस को पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में कमी पेशी होती है, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ही आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएगा या कम करेगा? नहीं सर, आप कह सकते हैं सर पॉपुलेशन, पिछले साल आपकी आबादी थी 20 करोड़, इस साल आबादी बढ़ गई है 21 करोड़, तो इसका मतलब है कि पहले अगर आपकी लोग डिमांड 20 करोड़ लोगों की डिमांड आप पूरी करते थे तो आप 21 करोड़ लोगों की डिमांड के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। पहले अगर चीनी 20 करोड़ लोग इस्तेमाल करते थे तो आप 21 करोड़ लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, तो पॉपुलेशन की वजह से आपकी डिमांड के अंदर इजाफा हुआ। फिर हमने जैसे अभी बात की वेदर, वेदर की वजह से मौसमी असरात, उसकी वजह से आपको सर्दियों में हल्के कपड़े नहीं चाहिए, गर्मियों में गर्म कपड़े नहीं चाहिए, सर्दियों में आपको एसी नहीं चाहिए, गर्मियों में आपको हीटर नहीं चाहिए, तो आपका सीजनल इफेक्ट आपकी डिमांड के ऊपर आता है। फिर इसी तरह से आपका फैशन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स फैशन एंड दो चीजें और भी हैं, दो चीजें और भी हैं जो कि अभी हमने पढ़ी थी, किसकी वजह से प्राइस का अंदर फर्क आए या कौन सी और प्राइसेस के अंदर फर्क आने से हमारी इन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट एक्स की डिमांड के अंदर इजाफा हो सकता है। जी हमने दो चीजें पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस के अंदर अगर कोई फर्क आए तो वो भी हमारी प्रोडक्ट एक्स की डिमांड के ऊपर फर्क आता था। याद है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई है तो उससे क्या होगा कि लोग सब्स्टिट्यूट की कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे और उससे अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है तो लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड को कम करेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट के अंदर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर आता है। याद जी, तो पॉपुलेशन, वेदर, ट्रेंड्स, फैशन, टेक्नोलॉजी, आपका इंपैक्ट ऑफ योर मार्केट, मार्केट के अंदर जो जो मसाइल आ सकते हैं उनकी वजूहात की बिना पे भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है या खत्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, पहले हम हल जोता करते थे मैनुअली, जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था, हल इस्तेमाल किया जाता था, टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो जो प्रोडक्ट थी जो लकड़ी का हल था जिसको यूज किया जाता था उसकी डिमांड को इम्पैक्ट किया टेक्नोलॉजी के चेंज ने, नई प्रोडक्ट आई, मशीन आ गई जो ट्रैक्टर यूज किए, उस टेक्नोलॉजी ने, उस नई प्रोडक्ट ने पिछली प्रोडक्ट को की डिमांड को खत्म कर दिया। तो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से फर्क, चेंज ऑफ फैशन की वजह से, ट्रेंड्स की वजह से, वेदर की वजह से, आपकी कस्टम्स की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की वजह से, ये डिफरेंट और वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड ऑफ योर कंसर्न प्रोडक्ट वो वैरी कर सकती है। यार ये सिर्फ क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमने कहा था कि जब हम अपनी डिमांड की बात करेंगे, जब हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की बात की, तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने सिर्फ क्या किया,
हमने इन दो का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, इन दो का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया लॉ ऑफ डिमांड में. लॉ ऑफ डिमांड में हमने बाकी किसी चीज का कॉम्बिनेशन उसको डिस्कस नहीं किया. याद है जस्ट देखें, यहां पे हमने सिर्फ प्राइस ऑफ एश और डिमांड ऑफ एक्स, उसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसी प्रोडक्ट की डिमांड, उसकी यहां पे डिस्कशन की और कोई बात नहीं की. इफ बाय डिक्लेयरिंग प्राइस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सटेंड एंड बाय इंक्रीजिंग प्राइस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने उसकी बात की है, कोई और इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने बात नहीं की. हालांकि हमें बहुत से और वेरिएबल्स, बहुत से और फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनकी बुनियाद पे, जिनकी वजह से हमारी डिमांड पे असर होता है, बहुत से और फैक्टर्स नजर आ रहे हैं. बट हमने कहा कि वी विल एज्यूम कि वो जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर रिमेन अनचेंज. सिट्रिक पेरिबस, हम लॉ के अंदर कहते हैं सिट्रिक पेरिबस. सिट्रिक पेरिबस क्या है? एज्यूमिंग अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज. हमने ये assumption लिया है इस लॉ के अंदर, जब हमने सिर्फ प्राइस की बात की है, ये प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, कम हो डिमांड बढ़ जाएगी, कि जनाब हमारे दूसरे फैक्टर्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया, कोई पॉपुलेशन के अंदर फर्क नहीं आया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के अंदर कोई फर्क नहीं आया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं आया, आपकी ट्रेंड्स के अंदर, फैशन के अंदर, आपकी सीजन के अंदर कोई फर्क नहीं आया. हमारा ये assumption है सिट्रिक पेरिबस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं keeping other things constant, unchanged, we are talking about only two variables or उन दो variables का हम एक relationship build कर रहे हैं. ये चीज हमें clear होनी चाहिए यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं. कई दफा exams में क्या करता है वो आपको different variables की base पे कहते हैं, जैसे एक market थी उसके अंदर उस product की demand थी 100 और मौसम बदल गया या कंपटीटर जो पहले मौजूद था वो कंपटीटर खत्म हो गया, चला गया, अब उस प्रोडक्ट की डिमांड 200 हो गई, तो क्या ये लाभ डिमांड की वजह से है या किसी और वजह से? तो हमें पता है कि जब प्राइस की वजह से अगर डिमांड में इजाफा होगा, प्राइस कम या करने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो वो सिर्फ लाभ डिमांड की वजह से है. प्राइस के अलावा किसी भी वजह से, कंपटीटर खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खत्म हो गई, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, आपकी वेदर बेहतर हो गया, लोगों की कस्टम्स चेंज हो गई, लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, उस वजह से जब डिमांड में इजाफा होगा तो वो हमारी डिमांड में चेंज लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो लॉ ऑफ डिमांड के अलावा वो चेंज है. क्लियर है? चलिए अच्छा जी, फिर इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमें जो चीज दूसरी समझने की है वो यहां पर हमें समझ आई कि यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है. प्राइस डिक्रीज करें डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज करें डिमांड डिक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप क्या मायने क्या है? कोई ना कोई एक डिमांड स्पेंड का बनाते हैं, उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं. If price is something, then quantity demanded is something. Price of X, quantity demand of X. So let's do that. Price was 10, quantity demand was, for example, 300. Price was 20, quantity demand decreased to 200. Price increased to 30, quantity demand further decreased to 100. ये एक सिंपल सा सादा सा डिमांड स्केड्यूल कहते हैं इसको, कि हमने एक प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड का एक रिलेशनशिप बिल्ड किया और कहा कि दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी.
demanded on this specific price. इसको हम अगर graphical presentation में करें तो क्या होगा? Here we have price, here we have quantity. Price was 10, 20, and then 30. 100, 200, and then 300. 300, 300, 200. 30 is 100. Or other is 400. This is our demand curve. This command can be demand curve. Demand curve will be negatively sloped. Negatively sloped kyun hai? Kyunki inverse relationship hai. Dono variables ke darmiyan. Price badhti hai, demand kam hoti hai. Price kam hoti hai, demand badhti hai. To humne negatively sloped ki baat padh li thi. कि जहां पे भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां पे नेगेटिव स्लोप होगी, जहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा उससे वहां पे पॉजिटिव स्लोप होगी। जैसे प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है तो उस वक्त फिर हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना था, लेकिन इस सिचुएशन में जब हम लाभ प्रमाण के देखेंगे हमारी नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगी। तो मुश्किल इसके अंदर तो परेशानी तो मुश्किल तो बातचीत क्रूशियल चला बड़ा हो गया। लेट्स मूव टू इस नंबर का देखते हैं। ये डिमांड क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स सिट्रिक्स पेरिपस जो हमने बात की। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्सटेंड्स हमने एक्सटेंड्स की बात As the price of the product rise, citrus perigons, we have talked about the demand for the good contracts. Citrus perigons is a Latin expression which means other things remains equal, unchanging. Use of term extend and contract to denote change in the amount of demand of good as a consequence of the price change. Sometimes called a rise or fall in quantity demand. हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया। एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट को हमने यूज क्यों किया नहीं हमने एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे देखें प्राइस 330 डिमांड 300। प्राइस कम हुई, डिमांड कर्व के ऊपर आपकी मूवमेंट हुई, आप डिमांड कर्व के ऊपर एक्सटेंड किया आपने 200 के ऊपर आप चली। प्राइस डिक्रीज हुई 10 के ऊपर, डिमांड कर्व के ऊपर ही आपने मूव किया तो प्राइस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 300 के ऊपर चली। एक्सटेंड हो रहा है, डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है। इसी तरह से 10 प्राइस थी तो 300 डिमांड थी, 20 प्राइस हुई तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर गई, डिमांड मूव कर गई 200 के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ आर ऑन दी डिमांड कर्व, इस वजह से हम यहाँ पे एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि डिमांड कर्व के ऊपर ही बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिमांड कर्व से हट के नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई वी यूज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अजम्पशंस क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, जो हमने बात की इनकम इफेक्ट की वजह से इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर चेंज हो जाए इनकम इफेक्ट की वजह से बढ़ जाएगी। तो हमने कहा इनकम ऑफ कंज्यूमर को चेंज नहीं करें, सिट्रिक्स पैरेंटर्स हमने लिखा। सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स नहीं है, उसका इफेक्ट गुड्स के ऊपर नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर स्टेबल, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वो हमारी बातें देख रहे हैं रिलेटेड गुड्स होती। देयर इज नो चेंज इन कस्टम बेस्ड प्रेफरेंस एंड ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल। Climate and weather conditions are expected when receiving the demand. The tax rate are stable. Tax की वजह से भी exemption के ऊपर क्यों रखना पड़े? ये जो हमने assumptions पढ़ी थी यहाँ पे हमने assumptions वगैरह देखी थी, other factors देखे थे, tax rate, population,
ऑपरेशन वेदर एंड सब्स्टिट्यूट बॉर्डर कंप्लीमेंट्री बॉर्डर उनको हमने देखा था वो सेम टू सेम है. अजम्पशन पूछता है कई दफा वो पेपर पूछ चुका है. ये वही हमारा डिमांड कर्व है कि प्राइस सर्टेन प्राइस है 3, 5, 8, 10, 11 डिमांड स्केड्यूल दिया 60, 50, 30, 20, 10 उसको उसने ड्रा किया तो आपके पास एक डिमांड कर्व आ गया. वो कहता है ये क्योंकि हम आसानी के लिए स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं आप कहीं पे अगर स्लाइटली कर्व अगर डिमांड कर भी आ जाए तो परेशान मत हो जाए. डाउनवर्ड स्लोप क्यों है जो हमने पहले बातें पढ़ेंगे वेरी रिच इन सोसाइटी कैन अफोर्ड एंड द प्राइस ऑफ गुड इज वेरी हाई देन ओनली द वेरी रिच इन सोसाइटी कैन अफोर्ड टू टेक इट. एज द प्राइस ऑफ गुड इज लोअर्ड दिस इंक्रीज द पूल ऑफ पोटेंशियल बायर. जो हमने बात कही थी डिमांड के अंदर के परचेजिंग पावर जैसे प्राइस कम होती है ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा हो जाता है. सेकेंड लेस ऑब्वियस रीजन इज द प्राइस फॉल एंड द कंज्यूमर कंटिन्यू टू परचेज द गुड ही देन हैज मोर डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ही इज पेइंग लेस पर यूनिट दिस माइट लीड टू हिम बाइंग मोर ऑफ द गुड. जो हमने इनकम इफेक्ट के अंदर पढ़ा था इनकम इफेक्ट में यार यही बात पड़ी थी कि पहले अगर 100 रुपया उसके पास इनकम है प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपया है तो वो 5 kg यूज परचेज कर सकता है. अब उसकी कीमत 10 रुपये हो गई है प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई है तो उसी 100 रुपये से जो वो परचेज कर सकता है तो वो अब 10 kg परचेज कर सकता है. याद है कि नहीं याद मुझे याद है जरा जरा तुम्हें याद हो गए याद. अच्छा जी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही बातें जो हमने पहले पढ़ी थी. टू इफेक्ट कॉलिंग इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या है एज बाय फॉलो द कंज्यूमर कैन मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर लेस एक्सपेंडिचर सम ऑफ द इंक्रीज इन रियल इनकम माइट बी यूज्ड टू बाय मोर ऑफ द प्रोडक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इफ प्राइस ऑफ गुड ए फॉल द प्रोडक्ट इज मोर रिलेटिवली चीपर देन अल्टरनेटिव आइटम व्हिच माइट कॉज consumer to switch hence increasing demand for good A. Good A to ज़्यादा demand कर सकते हैं. जी let's conclude here आज के दिन में हैं और कल इंशाल्लाह बाकी